नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबरें रही सुर्खियों में। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर निकली 3 बजे रायपुर पहुंची। सट्टू स्थित प्रयास संस्था में रुकने की व्यवस्था। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर निकली बस रायपुर पहुंच चुकी है। 3 बजे राजधानी पहुंची। 2 बस प्रयास अकेडमी सट्टू लाई गई है। सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, आज 2 और कोरोना मरीज डिस्चार्ज। सीएम भूपेश बघेल ने 2 और कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जाने की जानकारी ट्वीट कर दी है। लॉकडाउन में एफबी लाइव करना एक शख्स को कैसे पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर राजधानी के एक कारोबारी को लॉकडाउन के दौरान फालतू घूमते हुए फेसबुक लाइव करना महंगा पड़ा। पुलिस ने कारोबारी की महंगी बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर आरोपी कारोबारी को गिरफ्तार किया। सरगुजा में होगा कोरोना मरीजों का इलाज, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सरगुजा में विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र पूर्णतः तैयार हो गया है। सोमवार को इसकी शुरुआत की गई। इसे तैयार करने में 1 माह का समय लगा है। कोरोना को लेकर राजधानी रायपुर से अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित नर्सिंग ऑफिसर के संपर्क में आए सभी 14 सैंपल निगेटिव। इससे पहले कोविड वार्ड के सभी डॉक्टर नर्स का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में लगी आग, दमकल टीम मौके पर पहुंची। राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में आग लग गई है। हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है। शराब की तस्करी करता सब इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार। लॉकडाउन में एक तरफ जहां अनुशासन, समर्पण और सेवाभाव की पुलिस मिसाल पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस कर्मी खादी को दागदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर गरमाई सियासत, उद्धव ने की योगी से बात। बुलंदशहर के अनुपम शहर कोतवाली में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। सलमान खान ने डेली वर्कर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए पैसे, असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिखाया स्क्रीनशॉट। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। लोगों का काम ठप है, रोजगार न होने की वजह से सबसे ज्यादा मार पड़ रही है डेली वर्कर्स पर। हरभजन सिंह पर बोले सकलैन मुश्ताक, वह आसानी से 700 टेस्ट विकेट लेते। भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब गेंदबाजों में शामिल है हरभजन सिंह। इस दिग्गज ऑफ स्पिनर ने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए हैं। डीएनएक्स टीवी बड़ी खबर में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए।